हाय गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स, यानी कहीं एक्सीडेंट अगर हो जाता है या किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स क्या होना चाहिए, आज उस पर हमारी क्या होगी बातचीत होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज की बातचीत, बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स ऑफ एन एक्सीडेंट। व्हेन इन्वेस्टिगेशन एन एक्सीडेंट और अदर टाइप ऑफ इंसिडेंट, देयर आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर दैट कैन बी यूज्ड। या कहना ये चाहते हैं कि अगर कहीं भी कोई दुर्घटना होती है या कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो वहाँ बेसिकली किस स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, किस तरह के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए ताकि उस एक्सीडेंट को प्रॉपर क्या किया जाए, हैंडल किया जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप वन होना चाहिए, गैदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट। सेकेंड होगा हमारा एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इमीडिएट एंड रूट कॉजेस। तीसरा होगा आइडेंटिफाई सूटेबल कंट्रोल मेजर्स। चौथा होगा प्लान द रिमीडियल एक्शंस। तो हम लोग एक एक स्टेप को पहले अच्छे से समझते हैं और इसको डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का, कि गैदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, यानी जहां दुर्घटना हुई है, जहां घटना हुई, जहां एक्सीडेंट हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लोग को चाहिए कि वो सीन को हम सिक्योर करें। और सिक्योर करने के बाद फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जो बहुत अहम सबूत हैं, जो बहुत अहम इंफॉर्मेशन हैं, उनको हम क्या करें, इकट्ठा करें। उसको इकट्ठा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेज हैं। जैसे सबसे पहले तो हम क्या करें, सिक्योर सीन करें, ठीक है, ताकि जहां दुर्घटना हुई है वहां किसी तरह का कोई छेड़छाड़ ना हो। सेकंड है के विटनेस के डिटेल्स को हम कलेक्ट करें, यानी जो लोग आंखों देखा उस दुर्घटना को देखे हैं तो उनकी हम क्या लें, पहले हम इंटरव्यू लें। उसके बाद कलेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि जहां दुर्घटना हुई है, फोटोग्राफ, स्केचेस, मेजरमेंट, वीडियो, है ना, रिटन डिस्क्रिप्शन और जो फिजिकल एविडेंस है ना वो, और जो भी लोकेशन जिस जगह ये दुर्घटना हुई है, उन सब चीजों का अच्छे से इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। तो उन चीजों का जमा करना ही हमारा क्या होता है, गैदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट। ठीक है, यानी हम अच्छे से क्या करेंगे, जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं उस दुर्घटना की इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। फिर से रिपीट कर दें, उसके लिए हमारा पहला रास्ता होता है, पहला तरीका होता है कि सिक्योर द सीन, सीन को जितनी जल्दी हो सके एक्सीडेंट के सीन को हम क्या करें, सिक्योर करें। उसके बाद फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, रिकॉर्ड करें और उसके लिए फोटोग्राफ, स्केचेस, मेजरमेंट, वीडियो, रिटन डिस्क्रिप्शन और फिजिकल एविडेंस और जो हमारा वहां जो कुछ भी उस साइट में उस वक्त मौजूद है या पाया जा रहा है, उन सब चीजों को हम क्या करेंगे, अच्छे से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो गवाह देखे हैं उसकी गवाही ली जाएगी इंटरव्यू के थ्रू। ठीक है, और उनकी गवाही के बेसिस पर भी काम किया जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा है एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इमीडिएट एंड रूट कॉजेस। जैसा कि हमारा वीडियो पहले से ही बना हुआ है कि रूट कॉजेस क्या होते हैं, इमीडिएट कॉजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो रूट कॉजेस एंड इमीडिएट कॉजेस जो होता है उस दुर्घटना का, उसका हम क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, उसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, जो स्टेप वन में आपने काम किया है उसी इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना, एनालाइज करना है। ठीक है, और एनालाइजिस करने के बाद हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इमीडिएट कॉजेस क्या हैं, अंडरलेइंग कॉजेस क्या हैं। ठीक है, उसके बाद
जो है हमारा रूट कॉजेस क्या हैं जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है, तो उन सब चीजों का हम क्या करेंगे अच्छे से पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम बताए थे कि इमीडिएट कॉजेस का मतलब होता है जैसे कोई फ्लोर है, वो फ्लोर के ऊपर तेल गिरा हुआ है, तो ये इमीडिएट कॉजेस में आएगा कि एक वर्कर उस फ्लोर पे जो गिरा हुआ तेल है उस पर चल रहा था और फिसल के वो क्या हुआ, गिर गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इमीडिएट कॉजेस। तो हम पता लगाएंगे कि आखिर ये जो इंजुरी हुई, जैसे वो वर्कर फिसल के गिरा उस फ्लोर पे, उनको चोट लगी यानी उसके सर पे बहुत चोट लगी, जख्मी हुआ जो भी, तो ये सब क्या है, हमारा इमीडिएट कॉजेस है ना, यानी इमीडिएट कॉजेस में जैसे अनसब एक्ट, अनसब कंडीशन का हम पता लगाएंगे। उसके बाद है हमारा अंडरलेइंग या रूट कॉजेस। अंडरलेइंग या रूट कॉजेस में क्या होता है, जैसे वर्कर को है ना फेलियर टू एडिकेट सुपरवाइज वर्कर्स, वर्कर को प्रॉपर सुपरवाइज ना कर पाना, अच्छे से सुपरवाइज ना करना। फेलियर टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट पीपी, जो वर्कर्स हैं उसको उचित प्रकार का जो पीपी देना चाहिए वो उचित प्रकार का पीपी नहीं दिया गया, ये अंडरलेइंग या रूट कॉजेस में आता है। फेलियर टू प्रोवाइड एडिकेट ट्रेनिंग, वर्कर को जो भरपूर ट्रेनिंग देना चाहिए था, भरपूर वर्कर को ट्रेनिंग नहीं दी गई। ठीक है, तो अगर एडिकेट ट्रेनिंग देने में है ना फेलियर होते हैं तो वो हमारा अंडरलेइंग या रूट कॉजेस में आता है। लैक ऑफ मेंटेनेंस, यानी जो रख रखाव होना चाहिए, जो मेंटेनेंस होना चाहिए उसमें कमी का होना, तो इसका भी फेलियर होना क्या होता है, हमारा अंडरलेइंग या रूट कॉजेस में आता है। इनएडिक्वेट चेकिंग और इंस्पेक्शन, यानी वर्क साइट को, मशीन को, एक्टिविटीज को, या जो कुछ भी वहां हो रहा है, चल रहा है, उसको अगर प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं किया जा रहा है, उसकी चेकिंग नहीं की जा रही है, तो भी हमारा क्या होता है, ये अंडरलेइंग या रूट कॉजेस में होता है। फेलियर टू कैरी आउट है ना प्रॉपर रिस्क असेसमेंट, वर्क जो भी चल रहा होता है उसका हमको प्रॉपर क्या करना पड़ता है, रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है। अगर प्रॉपर रिस्क असेसमेंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा अंडरलेइंग या रूट कॉजेस में आता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप था, एनालाइज द इंफॉर्मेशन, यानी जो गैदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन था उनके बेसिस पर हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद हम रूट कॉजेस, इमीडिएट कॉजेस, अंडरलेइंग कॉजेस का हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे और उसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकालेंगे क्या कि दुर्घटना क्यों हुई। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट होता है आइडेंटिफाई सूटेबल कंट्रोल मेजर्स। इसका मतलब यह होता है कि जो दुर्घटनाएं हुई हैं, ठीक है, जिस कारण से, ठीक है, अब वो दुर्घटना फिर से रिपीट ना हो, फिर से इन फ्यूचर वो दुर्घटनाएं ना हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सुइटेबल कंट्रोल मीजर, यानी उचित प्रकार का रोकथाम है ना हमको क्या करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है, और हमको चिन्हित करना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है कि इस कमी को किस तरह से दूर किया जाए, इस अनसेफ कंडीशन को किस तरह का कंट्रोल मीजर लगाने से है ना ये दूर होगा, इलिमिनेट होगा, हम लोग क्या करेंगे वो सूटेबल कंट्रोल मेजर को आइडेंटिफाई है ना हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक फ्लोर का एग्जांपल आपको दिए थे, जैसे कि एक फ्लोर पे तेल गिरा था, एक वर्कर चला और फिसल करके क्या हुआ, गिर गया, तो वर्कर का इस तरह से गिर जाना इमीडिएट कॉजेज है। तो हमारा आप कंट्रोल मीजर क्या होगा, वहां कंट्रोल मीजर ये होगा कि हम क्या करेंगे, जो ऑयल हमारा फ्लोर पे गिरा है उस ऑयल को क्या करेंगे, हम साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, यही ना हमारा कंट्रोल मेजर होगा। हाँ, जब ऑयल को हम क्लीन कर देंगे, साफ कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा उस तरह की दुर्घटना होने की चांसेस जो है वो क्या होंगे, हमारा कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग कंट्रोल मेजर को प्रॉपर अगर लागू करते हैं, सुइटेबल कंट्रोल मेजर को, तो डेफिनेटली इस तरह के फ्यूचर में फिर दोबारा दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट होता है प्लान द रिमीडियल एक्शंस, है ना। प्लान द रिमीडियल एक्शंस का मतलब यह है कि एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना, तो करेक्टिव एक्शन लिया जाना चाहिए। ठीक है, करेक्टिव
करेक्टिव एक्शन अगर हम नहीं लेते हैं तो डेफिनेटली फिर हमारा ऐसे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है कि रिमीडियल एक्शन जो हमको लेना पड़ता है ना, तो रिमीडियल एक्शन में क्या होता है, जैसे कि रिकमेंडेड एक्शन, सबसे पहले तो हमको ये दिखाना पड़ता है कि इसको सुधारा कैसे जाएगा। ठीक है, तो रिकमेंडेड एक्शन में हमको ये दिखाना पड़ता है कि इंट्रोड्यूस यानी है ना इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर ऑल न्यू वर्कर्स, है ना, यानी जितने नए वर्कर्स हैं सबको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, और वर्कर के पास ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। ठीक है, तो प्रायोरिटी प्रायोरिटी में दिखाना पड़ता है कि मीडियम है, हाई है, टाइम स्केल दिखाना पड़ता है कि भाई कितना दिन का क्या है, मतलब 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए, 2 हफ्ते में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्लान द रिमीडियल एक्शंस में ये होता है कि अब हमको किस तरह का रिमीडियल एक्शन यहाँ लागू करना है कि इन फ्यूचर हमारा दोबारा दुर्घटनाएं ना हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग जानेंगे कि जो भी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए, रिपोर्ट द फाइंडिंग्स आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इन ए प्लान डॉक्यूमेंट मैनर। तो सबसे पहले जब हम लोग एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जो कुछ भी हम लोग रूट कॉजेस, इमीडिएट कॉजेस, अंडरलाइंग कॉजेस का पता लगाते हैं तो उसको हमको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके क्या करना पड़ता है, हमको रिपोर्ट करना पड़ता है। फिर एक करेक्टिव एक्शन प्लान हमको डेवलप करना पड़ता है ताकि दोबारा दुर्घटनाएं ना हो। ठीक है, और फिर करेक्टिव एक्शन प्लान सूटेबल जो जगह में होना चाहिए वो हमको लागू करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सब करने के बाद हमको फिर से देखना पड़ता है कि जो कुछ भी करेक्टिव एक्शन बताया गया, जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कहा गया सिस्टम में, वो सब कुछ लाया गया है या नहीं लाया गया है। तो इन सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं, और ये आपके सामने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्टिंग होता है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्टिंग फॉर्म होता है वो भी डिस्प्ले किया गया है, कि इसका अलग से भी वीडियो बना हुआ है। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल्ली।